खाने से भी उतनी मोहब्बत है जितनी मुझे तुमने से है। तो ये गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, ये शुरू ही नहीं की जाती, ये वहाँ से शुरू होती हैं। लोग कहते हैं कब कौन से साल में शुरू किया था, कब शुरू किया था, नहीं शुरू करना, और वो यहाँ के लोग आके शुरू करते हैं। जो गिफ्टेड आर्टिस्ट होता है वो शुरू वहाँ से होके आता है, वो मालिक कहता है तुम इस काम के लिए बने, यू हैव टू डू। तो ये ईजी कोई काम नहीं, म्यूज़िक में इजी काम कोई नहीं है। अगर कोई इसको ये शॉर्टकट समझ लिया ये कोई सस्ता काम है, अरे नहीं अच्छा ये फिल्म का गाना गाता छोड़ो, नहीं वो छोड़ो नहीं, चाहे कुछ और साहब को ले ले, जब खड़े होकर वो गाता है तो पक्का सुर लगता है ठक करके, देर नहीं लगती। तो फ्रेंड्स मैं आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइस, ये दरबार ऐप है, ये मेरा जो कॉन्सर्ट हो रहा है उसको देखिए। थैंक यू सो मच फॉर दरबार एंड एवरीबॉडी। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो भी अच्छा कर रहा हूँ, वो मेरे उस्ताद जी का है, जो अगर मुझसे को बुरा होता है वो मेरा है। तो ये क्रिएशन जो है ये गिफ्टेड चीज़ है। गुरु जी के मैं बहुत क्रेज़ी था, और तबला जब मैंने सुना तो मैं उनका भी आशिक हो गया, उनके तबले का भी आशिक हो गया। मुझे जब बचपन में उनका तबला सुना तो मुझे तबले के बारे में कोई नॉलेज नहीं है उस वक़्त, मगर मुझे उनकी साउंड अपील की, मेरे दिमाग में मेरे दिल पर वो असर किया उसने, यहाँ दिमाग तक नहीं रहा, वो दिल के अंदर उतर गया काम कि ये कैसी साउंड है। मैं दूसरे लोग भी तबला सुन रहे हैं, वो भी बड़े बड़े अच्छे बजाते हैं, उनका भी कमाल है, बड़े तैयार है, ये टोन कहाँ से आ रहा है, ये सुर कहाँ से निकल रही है, ये लगता है कि इंसान गा रहा है, कोई तबला नहीं बजा रहा, कोई लोरी सुना रहा है। बस मैं दीवाना हो गया, मुझे नहीं पता कि वो उस वक्त के वो के कैसे कलाकार हैं, क्या है, क्या उनमें क्वालिटीज़ है, वो तो इंसान करीब होता तो पता चलता है। तो आई वॉज सो लकी कि मुझे ऐसे गुरु मिले, कि उन्होंने मुझे घर से भी मुझे सुरीला काम मिला, जिनका मैं शिगिर्द हुआ वो भी सुर के भीगे हुए, और उस्ताद जी तबले के मिले, उसने भी बोला देखो ज़्यादा शोर नहीं मचाना, इसको प्यार करो, इसको मारो पीटो नहीं, ये मार पीट का इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये मोहब्बत करने का काम है, इसको जितना प्यार करोगे उतना। और कहते थे कि बेटा देखो ये नहीं कि तुम मेरी कॉपी करो, बहुत अच्छी बात, मगर खुद से भी कुछ क्रिएट करो, इनकरेज करते थे। तो वो उनकी दुआ लग गई और मालिक की मेहरबानी हो गई कि आज वो जो कुछ भी होता है लोग एक सिग्नेचर वाकई मालिक ने बना दिया कि आज पूरे दुनिया में लोग कॉपी करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे इंस्पायर होता हूँ, सबको सुन के खुश होता हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि कॉपी ना कर। आज लोग मेरी कॉपी करते हैं तो शुक्र है, मानो ये सारा जो कुछ भी है मालिक की ब्लेसिंग है और मेरे उस्ताद जी की, मेरे माँ बाप की और मेरे मुर्शिद की दुआ है। मगर उसके कामयाब होने के पीछे ब्लेसिंग, बुज़ुर्गों की दुआएं, उस्ताद की दुआ, फनकारों की दुआएं, लोगों की दुआएं, जब वो दुआ लगती है मिलके सब अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए प्रेयर करते हैं, वो आर्टिस्ट सोना हो जाता है। तो आर्टिस्ट ब्लेसिंग से बनता है, आर्टिस्ट अकड़ से नहीं बनता, गरूर से नहीं बनता, प्राउड से नहीं बनता कि मैं फनकार हूँ अकड़ जाऊँ, उसको पसंद ही नहीं, मालिक को ये चीज़ें पसंद ही नहीं, कहता आर्टिस्ट हो तो अपनी जगह पर रहो, झुक जाओ, थैंक यू बोलो मुझे, मैंने दिया तुम्हें, मैं दे भी सकता हूँ छीन भी सकता हूँ। तो अगर हमें इस बात का डर है कि वो उसने अगर गिफ्ट दिया है तो ये बरकरार रखना, तो झुक रहे सब, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, लोगों से प्यार से मोहब्बत पेश आना, अपने फैंस के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, उनको ये ना लगे कि ये प्राउड आदमी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे कल्चर में, हमारे आर्ट में, हमारा जो कल्चर है वो यही कल्चर है कि ये रिस्पेक्ट सिखाता है, ये अदब सिखाता है, बेअदबी नहीं सिखाता, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता। म्यूज़िक में, आर्ट में एक पूजा है और ये पीस और लव और मोहब्बत का मैसेज देता है, ये ऐसे नहीं है, और ये शॉर्टकट भी नहीं है, इसके लिए पूजा करनी पड़ती है, तब तपस्या करनी पड़ती है। और जो लोग ऐसा करते हैं, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, वो ज़रूर मालिक उनको ब्लेसिंग देता है और वो कामयाब होते हैं।